नदन के नहीं लिखे सर देखिए, ये देव दीपावली जो है बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोगों के लिए बनारस में। यहाँ देसी तो देसी पर्यटक भी, विदेशी पर्यटक भी बहुत आते हैं और यहाँ बहुत बड़ा त्यौहार होता है जो 84 घाटों को सजाया जाता है। उस दिन देव पूजा होता है और यहाँ बहुत बड़ा घाट पर नौका चलता है, वहाँ बोट खाली नहीं रहती है। बाकी नाव कितने पहले से बुक हो जाता है? सर बोट तो हर साल भर पहले ही से बुक हो जाती है। यहाँ उस दिन फुर्सती नहीं रहता है कि किसी को बैठा सके, साल भर पहले ही बुकिंग हो जाती है और उस दिन बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है यहाँ पे। काशी में देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं, यहाँ होटल लाज सब बुकिंग हो चुका है, कहीं जगह नहीं है रहने के लिए और समझ लीजिए नावें सब बुक हो चुकी हैं और समझ लीजिए देव दीपावली की छठा देखने के लिए जो आते हैं उनको ऐसा लगता है कि मानो आकाश लोग धरती पर उतर आया है। ये जो आने वाले 23 नवंबर को इस बार देव दीपावली महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि लगभग 25-30 साल से वाराणसी में ये महोत्सव नित्य प्रतिदिन एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता जा रहा है। जैसे कभी किसी समय 10 लाख लोग जुटते रहे तो आज 25 लाख लोग जुट रहे हैं इसमें, और इस बार तो और अत्यधिक ज़्यादा आने की संभावना है। और हमको लगता है कि जो सारे पर्यटन ट्रेड के लिए ही, खाली ये सिर्फ होटल या होटल व्यवसाय से संबंधित नहीं है, वाराणसी में जितने भी प्रकार के ट्रेड हैं, बिजनेस हैं, सबको ये लाभान्वित करने वाला त्यौहार बन गया है। चूँकि इसमें नौकायान करने वाले लोगों को भी इससे लाभ मिलता है, जो यहाँ आते हैं, जो लोग रुकेंगे, चूँकि हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो हम लोग का दायित्व तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। होटल के लिए किस तरह की तैयारियाँ हुई हैं, क्या प्री बुकिंग होती है क्या इसको? नहीं नहीं, इसकी तो साल भर पूर्व से ही बुकिंग प्रारंभ हो जाती है। 23 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली का पर्व मनाया जाना है और इसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और अगर आप भी इस पर्व में शामिल होना चाहते हैं तो अपनी तैयारी पहले से करके आएँ, क्योंकि बनारस के होटल, गेस्ट हाउस, लॉज सब बुक हैं। यहां पर छोटी नाव, बड़ी नाव और बजड़े सारे की बुकिंग हो चुकी है, यानी एडवांस बुकिंग होने के बाद अब आपको इन सब चीज़ों को पाना मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप बनारस में इस दिव्य महोत्सव में शामिल होने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतर होगा कि आप पहले से ही अपनी तैयारी करके बनारस पहुंचें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।